70 वर्ष 75 वर्ष के पुरानिया आदमी पर गोली उन्हीं के चला सक। अगर 36 पांडे बहुत बहादुर बहुत शक्तिशाली आदमी बढ़ू तो द्रौली विधानसभा में पूरा अपना लश्कर के लिए जू हाली कर और माले के तरफ से दू हाली जहाँ कुत्ता के खदेरे लेला 36 पांडे के हमने के सिवान द्रौली से खदेर के गोपालगंज पहुंचा देनी सन कि लॉकडाउन में जहां लोग भूखे मरता भारी लोग परेशान बा लॉकडाउन में आके हमला कर जाति विशेष पर हमला और जितना भी निंदा कर जाओ उसमें कौन हमने के लगे शब्द नहीं है और हमने के समाज के लोग के भी समझते हैं कि लॉकडाउन में कोई अपराधी कोई चोर कोई क्रिमिनल ना कुछ करी ऐसा हमने के विश्वास ना पाले के चाहिए कि लॉकडाउन के तहत भी डकैती अपहरण मर्डर बिहार खातिर पूरा देश खातिर एक परिवार में 3 आदमी का मर्डर एक आदमी मौत से वहां का जूझते नहीं कि कहीं से ठीक नहीं थे नीतीश कुमार एक और वहां का मुखिया बने एक समर्थन करते नहीं हमने के बिहार सरकार से यह मांग करते नहीं सर कि पप्पू पांडे के तुरंत अविलंब गिरफ्तार कर जाओ विधानसभा से सदस्यता खारिज कर जाओ 36 पांडे के बेटा गिरफ्तार कर जाओ और 36 पांडे के भी हमने के संदेश भेजे के चाहते नहीं सन कि रोवा राइफल गोली में जितना ताकत व जितना बल बा अगर गरीब के बेटा के गांव के लोग के सूचना दिया गए हमने के हमला करे आवत नहीं सन तो शायद गांव के बहादुर लोग बतला दी कि हम उन्हीं में दम बाया लेकिन कायर वाला काम तो कायर आदमी करेला सुतला आदमी के मारे अब हमने के पार्टी के इतिहास बा अपहरण अपराध गुंडागर्दी के खिलाफ लड़े के हमने के लौन बने सब 36 पांडे से कई बार भेंट बा लेकिन दुर्भाग्य बात संजोग खराब बा कि जौन समर्थन हमने के चाहे जौन ताकत चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के थोड़ा सा कमजोर बा गोपालगंज में थोड़ा कमजोर बा जौना के चलते जितना मुकाबला होके के चाहे वो मुकाबला में थोड़ा समस्या बा हमने के पार्टी कोशिश करी वो जनता के संगठित करते ये अपराध के खिलाफ लड़ाई आगे बढ़े अभी कानूनी लड़ाई हमने के जारी रखले बने से चलता और कहे के तना चाहे पीड़ा के समय बा ये तो कोविड जमाना में कुल काल खत्म हो गए रहे लेकिन अब तो लालू जी जेल में बानी वहे के सब देख रेख से सब पनफल लोग न तो सही थे कहिए सिवान के धरती से सब अपराध खत्म हो गए रहे लेकिन सत्ता के खेल में वो लोग संरक्षण देके शक्तिशाली ताकतवर लोग बना देहल फिर भी जनता के ताकत सुप्रीम होला जनता के ताकत से जनता के एकता से अपराध के जरूर ध्वस्त कर ली जरूर जेल में भिजवावल जाये सदस्यता खारिज करवावल जाये एक चाहे जितना बड़ा आंदोलन चलावे के पड़े हमने के चलावल जाये यहाँ के जो हमने के पार्टी के नेता बा वो लोग एकजुट होके संगठित होके और एक विरोध मजबूती के साथ करे के चाहे परिवार के लगभग 1 करोड़ रुपया हम अपना पार्टी के तरफ से मांग करते नहीं रुपया बहुत माने नहीं थे परिवार तो उजर गई माई मर गई बाप मर गई भाई मर गई और यह कितना संजोग खराब बा कितना विडम्बना बा कि औरत के पीरा औरत जाने ले 17 में शादी भई पेट में बच्चा बा और भाई के लूट लहल गई ऐसे ही लूट लहल गई ना कोनो अपराध ना कोनो डकैती ना कोनो चोरी ना कहीं से कुल बैल खोली लेकिन धाक जमावे खातिर कि हमारा खिलाफ कोई ना बोले हमारा अपहरण के खिलाफ कोई ना बोले गुंडागर्दी के खिलाफ ना बोले यह मानसिकता से हमला भई और एगो अच्छा परिवार के उजार दल गए तो हमने के अगर कोशिश करे सर वो लोग साथे बानी सौ हम उस दिन में नजदीक आ गए रहनी बॉर्डर तक माहौल थोड़ा सा ठीक ठाक पता ना चलल तो फिर नौतन से लौट के हम सीमान गयी आ हमारे पार्टी वो लोग साथे हमने के बानी सर जरूरत पड़ी तो 3 आदमी मरल बन अगर समय आई तो हमने के सैकड़ों साथी इस परिवार के पक्ष में मरे खातिर हमने तैयार बनी सही हमने के मांग बा नीतीश कुमार से अभी है हमने के उम्मीद रखते नहीं से गांव के लोग से फिर वालों इस संकट की घड़ी में इस परिवार के सहयोग में तमाम